एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और हालांकि पूरा ड्रेस मेरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ और मैं मॉम के साथ जा रही हूँ बाहर, कुछ चीज़ें लेनी हैं और कुछ खाए पिएंगे भी। तो छोटी सी आउटिंग है, तो जा रही हूँ मॉम के साथ। मैं शाम का टाइम है तो बाहर जाती हूँ और फिर जो काम है वो करती हूँ। मैं आ गई हूँ एक फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट में, जिसको लग्जरी डाइनिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि शाम का टाइम था। मुझे मॉम को जो काम था हमने वो काम ख़त्म किया, तो शाम का टाइम होने की वजह से मुझे चाय की, मतलब हर कोई शाम में चाय पीता है, तो चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना चाय पिए, और वैसे भी घर में चाय मैं बनाती हूँ, तो मेरा आज चाय बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर ही चाय पिए। बाहर चाय पीने का ऑप्शन था कि हम किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, बट मेरा दिल कर रहा था कि आज कोई लग्जरी डाइनिंग इंजॉय की जाए, कोई महंगी चाय पी जाए। हालाँकि जब यहाँ पर आए तो सब कुछ अच्छा था, ऑब्वियस है, अच्छा हो गई, यहाँ पर रेट इतना अच्छा है तो फिर सर्विस भी अच्छी होगी। तो यहाँ खैर भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना चाय के साथ भी कुछ ऑर्डर करते हैं। तो हमने चाय लिया और साथ में हमने नूडल्स भी यहाँ पर ऑर्डर किए। तो वैसे भी ठंडी चाय पीती हूँ अभी, तो आराम से। ये रही मेरी चाय और नूडल्स। नूडल्स अच्छी थी, हालांकि मुझे नूडल्स बनाने नहीं आती। चाय भी अच्छी थी, हालांकि मुझे इससे अच्छी चाय बनाने आती है। और जितना अच्छा ये रेस्टोरेंट है, मतलब जितना लग्जरी है, जितना यहाँ पर रेट है, मुझे लगता है कि इनको जो अपना टेस्ट है ना वो और इम्प्रूव करना चाहिए। ऑल दो मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताती रहती हूँ कि हाँ ये इतना अच्छा नहीं है, इतना ख़राब नहीं है। मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं बनता, लेकिन बताने वाला जो काम है ना वो मुझसे बहुत अच्छे से होता है। तो खैर यहाँ पर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि मैं बताती हूँ। इन्होंने जो चाय दी ना, जो आप कप देख रहे हैं ना, ये इन्होंने हाफ़ कप दी, फुल कप नहीं थी। तो मैंने फिर इनसे पूछा, वेटर से, कि आपने ये जो कप है इसको फुल क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हम सबको इतना ही चाय सर्व करते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैंने आपको ऑर्डर दिया है फुल कप चाय का, तो मुझे फुल कप चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप चाय पिए, हम बना के लेके आते हैं। तो खैर मैं तो ठंडी चाय पीती हूँ, मैंने फिर चाय अपनी रखी हुई थी, फिर वो और चाय लेके आए और उन्होंने फिर चाय मुझे और एक्स्ट्रा दी। इवन मॉम को भी उन्होंने चाय दी, वो भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी कस्टमर है। तो खैर मैंने फुल कप चाय यहाँ पर इन्जॉय की, और फुल कप से ज़्यादा इन्होंने मुझे थोड़ी सी दी थी, क्योंकि मैंने चाय को थोड़ा सा टेस्ट किया था, तो चाय ऑलरेडी थोड़ी सी कम हो गई थी, तो उन्होंने मुझे और ज़्यादा ही चाय प्रोवाइड की। और मुझे लगता है ना कि आपके दिल में जो भी बात है आपको वो बोलनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने मुझे हाफ़ कप चाय दी, तो मैंने उनको बोला जो कि बोलना चाहिए था। बहुत से लोग होते हैं, मैकडॉनल्ड में जाते हैं या बहुत जगह जाते हैं, लोग पूछते रहते हैं आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो बेचारे हाँ नहीं ये सब करते रहते हैं, या बहुत से लोग शाय होते हैं जो कि बोल नहीं पाते। लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो लग्जरी जगह हो, इवन वो रोड वाली जगह हो, कोई भी जगह हो, मुझे जो बोलना होता है वो मैं बोलती हूँ। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा भाई साथ होता ना, तो फिर वो मेरी इस हरकत पर बोलता कि आपने क्यों उनको बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो खैर वो साथ में नहीं था। उसके बाद मैंने बिल पे किया अराउंड 700 के करीब, इंक्लूडिंग GST, क्योंकि GST भी यहाँ पर ज़्यादा लगा, क्योंकि भाई घर में तो मुझे चाय पीनी नहीं थी। अपनी काम चोरी की वजह से मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर चाय पीऊँ, लग्जरी चाय पीऊँ, तो उसके बाद बिल भी तो ऐसा देना ही पड़ेगा ना। तो खैर हमने बिल दिया, हालाँकि इन्जॉय किया मैंने मॉम के साथ यहाँ पर, जो अपना टाइम था वो इन्जॉय किया। और आपको अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करना चाहिए, या जिसके साथ भी आप करना चाहते हैं। और फिर यहाँ से अलविदा हमने लिया, अलविदा क्या लिया, उठे, टिप दिए और आ गए। और खैर अच्छा रेस्टोरेंट था, यहाँ जितने भी बनारस में रेस्टोरेंट हैं लग्जरी डाइनिंग प्रोवाइड करते हैं वो एक ही जगह पे हैं, कैंटोनमेंट साइड पे, और अच्छे रेस्टोरेंट हैं। और क्योंकि अच्छा पैसा है तो अच्छे रेस्टोरेंट भी होंगे। उसके बाद हम बाहर निकले, और बाहर तो भाई इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि अंदर अच्छा खासा AC चल रहा था, इतना समझ नहीं आता। बाहर निकलने पर पता चलता है कि एक्चुअल में बनारस में कितनी गर्मी हो रही है। फिर घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद क्योंकि शाम को हम गए थे रेस्टोरेंट, घर भी आए तो रात हो ही चुकी थी, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने किया डिनर। ये है चिकन का कीमा जो कि मॉम ने बनाया है, और उसको मैंने रोटी के साथ खाया। अच्छा लगता है, घर का खाना जो है ना वो बेस्ट होता है, और मॉम तो बहुत ही अच्छी शेफ़ है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। मुझे अपने मॉम के हाथ का खाना सबसे अच्छा लगता है। सो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग लग्जरी डाइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा बाय।